आज आंटी लग रही हूँ ना मैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल और आप सभी को अनामिका का सलाम। दोस्तों ये मैंने एडिटिंग कर करके यूट्यूब पे वीडियोस बना बना कर आप लोगों के लिए डालती रहती हूँ, तो थोड़ा सा आंखों में कुछ हो गया है क्योंकि उस वजह से मेरे को थोड़ा सिर में दर्द होने लगा है, तो इसलिए चश्मा लग गया है मुझे। तो मुझे दिखाना था आप लोगों को और मुझे पता है कि मैं आंटी टाइप की लग रही हूँ, इट्स ओके। सो या गाइस, यू आर वॉचिंग एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स सीरीज, और जो मेरे लास्ट मैंने आपको एक क्लास दी थी उसमें मैंने आपको बताया है कि आई शेडो में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आई शेडो कैसे आप लगाते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को वो वीडियो बताया है, सिखाया है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि स्मॉल आई पे मैं आप लोगों को बताऊं कि स्मॉल आई पे कैसे मेकअप करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है स्मॉल आई पे मेकअप हम कैसे करते हैं। बहुत अच्छे मैंने इसमें टिप एंड ट्रिक्स बताए हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। दोस्तों अगर आप नए हैं तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ कि मैंने स्टार्ट की है ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के जरिए, जिसमें मैं आप लोगों को ए टू जेड पार्लर का कोर्स सिखा रही हूँ। काफी सारी क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर आप इस वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे ब्यूटी पार्लर कोर्स, तो इसमें आपको थ्रेडिंग से लेकर पूरा मेकअप ट्यूटोरियल मिल जाएगा, कैसे हम दुपट्टा सेट करते हैं, काफी सारी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स मिल जाएंगी, हेयर कटिंग्स मिल जाएंगी। इसके अलावा अब जो मैंने स्टार्ट किया है वो है न्यू एडवांस ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज। इसमें मैं आप लोगों को मेकअप से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बना रही हूँ। तो इसमें मैं ए टू जेड आपको यहाँ पे कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो जरूर आप लोग देखिएगा। तो आज की चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके अलावा दोस्तों लाइक इसलिए भी कर देना क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ मैं, और देखो आप मेहनत का नतीजा, और प्लीज लाइक जरूर कर देना। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। सो यार गाइस, आज हम सीखेंगे कि स्मॉल आई पे आप किस तरीके से आई शेडो लगा सकते हैं। मेरी ड्रॉइंग पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा, यहाँ पर मैं आपको बस एक पिक्चर के साथ यहाँ पर बताऊंगी कि अगर आपके क्लाइंट की या आपकी खुद की स्मॉल आईज हैं तो आप कैसे डेवलप कर सकते हैं उन्हें बड़ा दिखाने के लिए। देखिए बहुत शानदार टिप्स बताऊंगी मैं आप लोगों को कि किस तरीके से आप स्मॉल आईज पे मेकअप करेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को जल्दी से थोड़ा सा ये बोल दूं कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज दोस्तों इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं और आप और ज्यादा करीब आ पाएंगे और ज्यादा अच्छे दोस्त बन पाएंगे। जो लोग उसे पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि आपके पास हर टाइप का क्लाइंट आ सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्मॉल आईज जो होती है वो सुंदर नहीं दिखती है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग बहुत सुंदर होते हैं। बट मेकअप का काम ही ये है कि अगर आपके क्लाइंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम डेवलप कर सकते हैं या और अच्छा दिखा सकते हैं मेकअप के द्वारा, तो वही हमारा काम है, वही एक मेकअप आर्टिस्ट का काम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट टिप ये दूंगी कि आपको हमेशा लाइट आई शेडो को यूज करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले जो मैंने वीडियो बताया है जिसमें मैंने पूरा बताया है कि क्रीज लाइन बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, नहीं देखा है तो जल्दी से पहले उस वाले वीडियो को देख लो, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया है कि कैसे हमें आई शेडो लगाना चाहिए। अब उसमें भी मैंने बताया था कि अगर आपकी क्लाइंट की स्मॉल आईज है या आपकी स्मॉल आईज है तो आप क्या कर सकते हैं कि लाइट कलर के शेड लगाइए, लाइट कलर के आई शेडो लगाएंगे तो उनकी आई हमेशा बड़ी दिखेंगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोई मोटा होता है तो वो डार्क कलर के कपड़े पहनता है तो वो क्या कहते हैं, स्लिम दिखता है, पतला दिखता है। वही अगर वो लाइट कलर के कपड़े पहन लेगा तो वो और ज्यादा हेल्दी दिखने लगेगा। बस इसी तरीके से स्मॉल अगर आईज है तो आप हमेशा याद रखो कि आपको लाइट कलर के शेड लगाने हैं। जैसे कि आप सिल्वर कलर का शेड लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, इनफैक्ट व्हाइट कलर भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ये है दोस्तों, देखो व्हाइट कलर ये बहुत सुंदर लगता है, आपकी क्लाइंट की आंखों को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाएगा। ये स्विस ब्यूटी का आजकल इस तरीके के ब्लू हेवन में भी आने लगे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्यारे प्यारे आई शेडो के शेड आने लगे हैं अलग अलग कंपनी के। ये देखिए ये बिल्कुल व्हाइट फॉर्म में है, और अगर मैं जैसे आपको हाथ में लगा के दिखाऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा मैं किस व्हाइट कलर की बात कर रही हूँ। इस तरीके का अगर आप व्हाइट शिमर कलर लगाते हैं अपने स्मॉल आई के क्लाइंट पे तो बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरीके के ना आई शेडो अगर आप बिगिनर हैं
तो आपको लगाने में भी बिल्कुल भी यू नो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो इस तरीके के जो लूज ग्लिटर्स होते हैं इसमें तो आप लोगों को लगाने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इस तरीके के ग्लिटर्स में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके क्लाइंट की यू नो आईज बहुत बड़ी लगेगी। हमेशा याद रखिए कि लाइट कलर लगाते हैं। उसके अलावा दोस्तों सेकेंड पॉइंट है कि आप हाईलाइट करेंगे हमेशा ब्रो बोन को, वो तो चाहे आप कैसी भी आईज हो, स्मॉल हो बड़ी हो, उसमें आपको करना ही है। और ऊपर से अंदर का जो पार्ट होगा ना, ये वाला जो पार्ट हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ बिल्कुल आप हाईलाइट करेंगे तो आंखें बड़ी दिखेंगी। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, सेकंड टिप, जो आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि बड़ी आंखें दिखाने के लिए आप हमेशा यहाँ पर वॉटर लाइन पे आप हमेशा ब्लैक काजल की जगह आप व्हाइट काजल लगाएंगे, तो आपकी क्लाइंट की यानी कि स्मॉल आई पे बहुत बड़ा आई शेडो लगने लगेगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाती हूँ एक्ट्रेसेस के जिन्होंने व्हाइट काजल लगा रखा है, और आपको समझ आएगा कि उनकी आंखें छोटी हैं इसीलिए उन्होंने लोअर लैश लाइन पे काजल अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप यू नो डार्क कलर का काजल अप्लाई कर देंगे तो उनकी आंखें और ज्यादा दबी दबी दिखेंगी, वहीं अगर आप व्हाइट कलर का काजल अप्लाई करेंगे वॉटर लाइन पे या फिर यू नो पीच कलर का काजल अप्लाई करेंगे तो या स्किन कलर का काजल अप्लाई करेंगे तो आंखें बड़ी दिखेंगी और खुली खुली दिखेंगी। इसलिए आप हमेशा ये याद रखो सेकेंड पॉइंट कि आपको हमेशा व्हाइट काजल लगाना है वॉटर लाइन पे। अच्छा, आपने यहाँ पर वॉटर लाइन पे अपने व्हाइट काजल या पीच कलर का यू नो काजल लगा दिया, वेरी गुड। अब इसके बाद आपको जैसे मैंने उस नेक्स्ट वीडियो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर आपको हमेशा ब्राउन शेड लगाना चाहिए जिससे कि स्मोकी लुक देता है, तो बिल्कुल आप नीचे ब्राउन शेड लगाएंगे। पर आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ये जो लाइन होगी ना ये यहाँ पर खत्म नहीं होगी, आप थोड़ा सा ना छोटी आइस पे, बड़ी आइस पे नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ना ब्राउन शेड को लेके जाना और हल्का सा आप यहाँ तक ले आना, थोड़ा सा आईब्रो के बाहर भी निकले तो चलेगा, जिससे ना आपकी क्लाइंट की आंखें बड़ी दिखने लगेंगी। और उसके बाद आप इधर से ब्राउन कलर को थोड़ा सा यहाँ पे फिल करते जाना, फिल करते 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 यहाँ पर आप थोड़ा सा बी बना सकते हैं ब्राउन कलर से, तो इससे क्या होगा ना आपके क्लाइंट की जो आईज है वो बड़ी इम्पैक्ट देने लगेगा। और देख आप देख ही सकते हैं कि हमारे जो ड्रॉ की थी हमने यू नो आईज वो यहाँ तक थी, लेकिन जब मैंने इसको ब्राउन से, अभी तो ब्लैक दिख रहा होगा लेकिन जब आप यहाँ अपने मेकअप में करेंगे ना ब्राउन से इस तरीके से फिल, तो आप देखेंगे तो आपकी ना जो क्लाइंट की आईज है वो बड़ी दिखने लगेंगी। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भी आप लोगों को बताने वाली हूँ, मेरा पार्लर रिनोवेट हो रहा है और आप लोगों को टूर भी कराऊंगी बहुत ही जल्दी, तो मैं सब चीजें आपको बताऊंगी, लेकिन आपको थ्योरी समझना बहुत जरूरी होता है। जब हमने भी पार्लर सीखा था तो हमने भी ऐसे ही बोर्ड पे सीखा था, और मैं अपने जब पार्लर पे सिखाती थी तब भी मैं ऐसे बोर्ड पे सिखाती थी, और उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाती थी। तो आपको यहाँ पर एक्चुअली समझ आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर तो लिड पे तो आपको लाइट कलर लगाना है, हल्का सा जो हम आउटर वी पे डार्क कलर लगाते हैं वो वाली पॉइंट पे मैंने आपको बताया है कि आप नीचे से ब्राउन शेड लाकर स्टार्ट करो और उसके बाद हल्का हल्का लेकर के जाओ यहाँ तक, दैट्स इट, बिल्कुल हल्का ब्राउन शेड। ऐसा करने से आपकी जो क्लाइंट की जो स्मॉल आईज है वो बिग लगने लगेंगी, और अंदर तो आप हमेशा याद रखो कि यहाँ पे आपको लाइट कलर लगाना है ब्रो बोन पे, और यहाँ पर आप यू नो ब्रो बोन पे लाइट कलर लगाएंगे तो आपकी क्लाइंट की स्मॉल आईज बिग लगने लगेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और दोस्तों कि आपको जो लाइनर है स्मॉल आईज पे वो ब्रॉड लगाना होगा, यहां से आपको ब्रॉड लगाना है, यहां से तो ऑफकोर्स आप पतला लगाओगे लेकिन आपको ये वाला जो पॉइंट होता है आपको के ये जो बॉल का जो पॉइंट होता है उसके यहां से आपको अगर आप लाइनर मोटा लगा दोगे, हमेशा आप याद रखो कि अगर आपको आपकी आंखें भी बड़ी दिखानी है तो आप इस वाले पॉइंट से, यहाँ तो आपको पतला ही लगाना है, इस वाले पॉइंट से अगर आपने उठा के अपना यू नो आईलाइनर मोटा लगा दिया तो आपकी और आपके क्लाइंट की आईज बहुत बड़ी दिखने लगेंगी। तो ये मेरी कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को टिप्स थी स्मॉल आई को लेकर, आई होप आपको समझ आया होगा। ब्रो बोन पे आपको लाइट कलर लगाना है, इनर पे आपको हाइलाइटर लगाना है, लाइट कलर लगाना है, और हमेशा लिड पे आपको लाइट कलर लगाना है, आईलाइनर मोटा लगाना है, और व्हाइट काजल लगानी है लोअर लैश लाइन पे। आइडियली होप आपको मेरे ये क्लासेस समझ में आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि मेरा जो काम है बिल्कुल सही डायरेक्शन पे मैं जा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए।
और बहुत मेहनत भी कर रही हूँ आजकल। तो दोस्तों इस मेहनत को आप लोग और ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो सच में पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं या जिनको मेकअप में इंटरेस्ट है। इन क्लासेस को देख के उन सबके क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा।